एंड सेमेस्टर एग्जाम्स का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है और मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, इतने जल्दी टाइम टेबल कैसे आया, अभी अभी तो इन सेमेस्टर हुई थी, कॉलेज में तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब मॉक प्रैक्टिकल्स देने हैं, फाइनल प्रैक्टिकल्स देने हैं, प्रीलियम्स देने हैं, ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा, मेरी तो यार कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। मुझे बताइए, आप इतना सब कुछ सोच रहे हो, ये सोच के क्या आपकी एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है? नहीं ना, आपको एग्जाम्स तो देनी है। अब जितना भी समय बचा है उस समय में आप कितना प्रोडक्टिव कर सकते हो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यार हम लोग इंजीनियर हैं और आपको पता है इंजीनियर किसी भी प्रॉब्लम को बहुत सिस्टमेटिकली टैकल कर सकता है, उसे बस जरूरत है प्लानिंग की। पेन पेपर लो, बैठो, टाइम टेबल बनाओ और अच्छे से प्लान करना ताकि कुछ भी बैकलॉग्स ना लगे। आपको तो पता ही, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट बैकलॉग लगा तो वापस वो फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन की प्रोसेस करने में आपका इतना समय चला जाएगा कि यार नेक्स्ट एग्जाम भी आपकी आ बैठेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करना। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।